प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हम लोग चैप्टर पढ़ रहे थे डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट, उसमें पढ़ रहे थे K2Cr2O7 की केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज में भी हमारा चल रहा था ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर। तो जो K2Cr2O7 होता है वो कई चीजों को ऑक्सीडाइज करता है ना। किस किस को ऑक्सीडाइज करता है? आंसर, एक KI से I2 बनाता है, लेकिन केमिकल इक्वेशन लिखते समय लिखेंगे I- से I2। KI से I2 बनाने का मतलब I- से I2 बनाना। दूसरा ये क्या करता है? दूसरा ये फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बनाता है, इसको शॉर्ट में लिखेंगे Fe+2 से Fe+3 बनाता है। तीसरा काम क्या करता है ये? तीसरा काम करता है ये H2S से सल्फर बनाता है, या यो कहें S-2 से S बनाता है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। चौथा ये क्या करता है? चौथा ये Na2SO3 से Na2SO4 बनाता है, या यो कहें SO3-2 को SO4-2 में कन्वर्ट करता है। इसी प्रकार ये ऑक्सीडाइज करता है KNO2 को KNO3 में, पोटेशियम नाइट्राइड को पोटेशियम नाइट्रेट में, शॉर्ट में NO2-1 से NO3-1। इसी प्रकार ये ऑक्सीडाइज करता है आपके SnCl2 को SnCl4 में, शॉर्ट में कहें तो Sn+2 से Sn+4। पिछले वीडियो में मैंने ये वाला काम करके दिखा दिया था KI से I2 बनाने वाला। अब इस वीडियो में हम लोग ये जो ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर बचे हैं, टोटल है 6 1 2 3 4 5 6, 1 हो चुका है, 2 3 4 5 6 इस वीडियो में कवर करेंगे। तो अब हमारे ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर 1 by 1 चलेंगे, 2 3 4 5 6। अब इसमें देखें 2 वाला ये शुरू कर रहे हैं, शुरू करें, लिख लिया है, नोट कर लिया है, ठीक। अब देखो बेटा, इसको शुरू करते में एक बात ध्यान रखना, हमेशा क्या करते हैं, आपको क्या करना है, FeSO4 से FeS2SO4 होल थ्राइस बनाना है। तो आपको शॉर्ट में लिखना है कि आपको Fe+2 से Fe+3 बनाना है, ऐसे लिख देंगे। और आपको लिखना है किसकी सहायता लेनी है, K2Cr2O7 की, उसे शॉर्ट में लिखेंगे Cr2O7-2, और प्रोडक्ट में अपने मन से ऐड कर देंगे Cr+3, ठीक, ओके रहा। यानी कि अगर मैंने बोला फेरस सल्फेट से फेरिक सल्फेट बनाओ, तो आप देखो रिएक्टेंट में Fe+2, प्रोडक्ट में Fe+3, रिएक्टेंट में Cr2O7-2, प्रोडक्ट में Cr+3, ऐसे करके अपने से लिख लो। अब इसे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से बैलेंस करो, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 2, सही, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो 2x, 7 है ये, -14, O की वैल्यू -2 होती है, -2। यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर सॉल्व करें, 2x-14 = -2, 2x = 12, x = 6, तो यहां पे Cr का ऑक्सीडेशन नंबर 6 आ गया। आयरन का 3 है और Cr का 3 है, चेंज देखो, आयरन का 2 से 3 होने पर चेंज हुआ 1 का, जो चेंज हो उसमें नीचे वाले नंबर का मल्टीप्लाई करो, इस आयरन के नीचे क्या लिखा है 1, तो चेंज 1 का हुआ। Cr में चेंज कितने का हुआ, 6 से 3 में 3 का चेंज हुआ, 3 का, और Cr के नीचे कितना लिखा है 2, तो 2 का मल्टीप्लाई, टोटल चेंज 6 का, इसका चेंज 6 का, इसका 1 का, इसका जो चेंज है वो इसके आगे आएगा, इसका जो चेंज है वो इसके आगे आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, यानी कि Cr2O7-2 का चेंज Fe+2 को मिलेगा और Fe+2 का चेंज Cr2O7-2 को मिलेगा, केवल रिएक्टेंट को मिलेगा, प्रोडक्ट को नहीं। तो करिए भाई, इसको मिटाल दे रहे हैं, नीचे से चेंज करो, कितने का चेंज था इसमें, इसमें चेंज कितने का हुआ था बोलो, 1 का, है ना। तो अब आप इसको चेंज करके क्या लिखोगे,
इसका चेन छह का था तो ये छह, और इसका एक का था तो ये एक। समझ आया? इसका चेंज इसके आगे, इसका चेंज इसके आगे। फिर लिखा एफ ई प्लस थ्री सी आर प्लस थ्री। अब बैलेंस अदर एटम करो, आयरन छह है तो यहां छह, सी आर दो है तो यहां दो। अब ऑक्सीजन बैलेंस करनी है बेटा, इसके लिए रूल सुन लो। अगर ऑक्सीजन कम पड़े, क्या कम पड़े? ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन की कमी H2O से पूरी करो और हाइड्रोजन की कमी H प्लस से पूरी करो। ऑक्सीजन की कमी H2O से और H की H प्लस से, तो यहां पे ऑक्सीजन कितनी है? सात, तो यहां पर 7H2O ऐड कर दो, ऑक्सीजन पूरी हो गई। अब यहां पर H हो गए 14, तो बदले में यहां पे लिख दो 14H प्लस। अब इसे एक लाइन में लिख लो क्योंकि दो लाइन में लिखा हुआ है सही से। 6Fe प्लस 2 1Cr2O7 माइनस 2 14H प्लस इक्वल टू 6Fe प्लस 3 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। ये इसका आंसर हो गया। अब एक बच्चे के मन में आई मेरा आंसर सही है गलत, मैं टीचर को बताने से पहले क्रॉस चेक कर सकता हूं? यस यू कैन। इधर देखो प्लस माइनस चार्ज कितना है, इधर देखो, अगर दोनों बराबर है चार्ज तो ये बैलेंस है। देखो यहां पे प्लस का कितना है, 6 2 12, यहां पे माइनस 2, यहां पे 14 प्लस, तो 12 और 14 26 माइनस 2 24, 14 और 12 26 में से दो गए 24 आया प्लस का। अगर इधर प्लस का 24 आ रहा है तो इधर भी आना चाहिए। करो 6 3 18, 2 3 6, दोनों तरफ कितना आया 24 24, इसका मतलब इक्वेशन बैलेंस है और ये आपका आंसर सही है। तो बस टीचर को रिपोर्ट कर दो कि सर ये हमारा आंसर है कि जब फेरस सल्फेट रिएक्शन करता है K2Cr2O7 से तो ये रिएक्शन होगी। अब बताइए आपको एग्जाम में कैसे पूछा जाएगा, कैसे नाम देके? नहीं, एग्जाम में ऐसे नहीं आता है, एग्जाम में आएगा इस तरीके से। बोर्ड एग्जाम में कैसे आता है देखो, वो लिखेगा Fe प्लस 2 प्लस Cr2O7 माइनस 2, एरो लगा के छोड़ देगा, कहेगा कंप्लीट दिस इक्वेशन, कंप्लीट दिस इक्वेशन। तो आप तुरंत शेयर बनोगे और Fe प्लस 2 प्लस Cr2O7 माइनस 2 लिखोगे और आगे लिखोगे Fe प्लस 3 और क्या लिखोगे Cr प्लस 3, फिर इसे बैलेंस करते जाओगे तो आपकी ये इक्वेशन आ जाएगी। जब ये इक्वेशन आ जाए तो इसे आंसर में लिख देंगे, यानी टीचर ने ये क्वेश्चन दिया तो अब आप ये सारा करने के बाद इस आंसर को उसके नीचे लिख दो। ये क्वेश्चन है तो आपका आंसर क्या लिख के आओगे, 6Fe प्लस 2 प्लस 1Cr2O7 माइनस 2 प्लस 14H प्लस 6Fe प्लस 3 प्लस 2Cr प्लस 3 प्लस 7H2O। ये आंसर आप लिख के आओगे, ठीक है, क्लियर। अब ऐसे ही अगली इक्वेशन आई थर्ड ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर पे। अब थर्ड ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर पे इक्वेशन क्या आएगी बोलो, शॉर्ट में क्या लिखाएगा? शॉर्ट में लिखाएगा S माइनस 2 प्लस Cr2O7 माइनस 2 बैलेंस दिस इक्वेशन। अब प्यारे बच्चों क्या करोगे बोलो, आप लिखोगे S माइनस 2 प्लस Cr2O7 माइनस 2 इक्वल टू S प्लस Cr प्लस 3। अब आपको अच्छे से मालूम है इसका चेंज कितने का आता है, 6 का, ये मैंने करके दिखा दिया है, तो बार बार इसका नहीं निकालूंगा मैं। इसका देखो यहां पर कितना है, माइनस 2 है ना, इसका यहां पर कितना है करके दिखा दिया था पहले ही, 6, इसका 0 ऊपर कुछ नहीं है, तो इसका 3, इसका चेंज हुआ देखो माइनस 2 से 0 चेंज हुआ 2 का, नीचे नंबर कुछ नहीं है तो 1 माना जाएगा, 2 बन जा 2, इसका चेंज हुआ 6 से 3 में 3 का, नीचे नंबर कितना लिखा है 2, तो इसका चेंज हो गया 3 × 2 6 का, तो इसका चेंज हुआ 6 का, इसका हुआ 2 का। मनी मन में मान लो अगर 2 को 1 मान लें तो 6 किसके इक्वल है, 3 के, यानी कि अब आप पे दो ऑप्शन है, इसके आगे 2 लिखो या इसके आगे 6 लिखो, इसका चेंज 2 का है ना, तो इसके आगे 2 लिखो, इसके आगे 6 लिखो। पर एक बच्चा बुद्धिमान हो तो वो क्या कर सकता है,
दो छह की जगह क्या है कले, इसके आगे वन लिख दे और इसके आगे थ्री लिख दे, क्योंकि दो और छह को अगर आप रेशियो में देखेंगे तो वन और तीन होगा ना, तो दो छह लिखने की जगह वन थ्री लिख लो। अगर कोई बच्चा दो छह लिखेगा तो वो क्या लिखेगा, इसके आगे दो इसके आगे छह, और कोई वन सिक्स लिखेगा तो इसके आगे वन और इसके आगे तीन। तो वन थ्री लिखो या टू सिक्स लिखो, दोनों से आंसर में क्या होगा, अगर टू सिक्स लिखोगे तो आंसर आपका डबल आएगा अमाउंट में, यानी जो आंसर आने चाहिए उससे हर फिगर डबल 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 हो जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है, हर फिगर डबल 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 हो जाएगा, है ना। तो वन थ्री वाला ले ले रहे हैं, रेशियो ले लिया, तो करिए कितने का चेंज, वन का, ये हटा दूं, कितने का चेंज वन का, तो इसके आगे और इसका चेंज कितने का था, छह का, छह बदल गया तीन में, इसका चेंज था दो का, दो बदल गया एक में, सही। अब चलो तीन तो ये तीन, अब चलो दो तो ये दो, अब चलो ये कितना है सेवन हो तो सेवन एच टू हो, और बदले में सेवन टू जा फोर्टीन एच प्लस, अब ये इसका आंसर हो गया। एक बच्चा कहेगा आंसर चेक कराइए सर, चेक करो, माइनस सिक्स माइनस टू प्लस फोर्टीन, आंसर आया बोलो प्लस का छह, यहां पे चलो ये जीरो, टू थ्री जा सिक्स, ये जीरो टू थ्री जा सिक्स, तो इधर भी प्लस सिक्स इधर भी प्लस सिक्स, आपका आंसर हो गया प्लस सिक्स, काम खत्म। एक बच्चा कहेगा सर मुझे समझ में तो आ रहा है लेकिन अभी अभी ना थोड़ा थोड़ा सा अटक रहा, अभी भी मैं थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंट नहीं हूं, अब आप और कराइए तो मुझे कंफ्यूजन हटेगा। तो देखो बेटा अब अगले बच्चे हैं उन्हें करते जाओ, आपका कंफ्यूजन अगले में ही जीरो हो जाएगा, ठीक है, डोंट वरी, अगले में आपका कंफ्यूजन बिल्कुल जीरो होने वाला है। करिए भाई अगला क्या बोलो, अगला है एसओ थ्री माइनस टू प्लस सी आर प्लस थ्री, एग्जाम में आया सी आर टू सॉरी ओ सेवन माइनस टू, एग्जाम में आया बैलेंस दिस इक्वेशन, एसओ थ्री माइनस टू प्लस सी आर टू ओ सेवन माइनस टू, बैलेंस दिस इक्वेशन। अब क्या करोगे बोलो, जल्दी जल्दी करो, अब टाइम नहीं लगाएंगे ज्यादा, एसओ थ्री माइनस टू प्लस सी आर टू ओ सेवन माइनस टू, अपने आप से इसकी जगह क्या लिखोगे, एसओ थ्री माइनस टू की जगह एसओ फोर माइनस टू और सी आर प्लस थ्री, है ना। अब यहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालो कितने का आया, यहां पे करके देखो, एस का एक्स तीन ओ का माइनस छ इक्वल टू माइनस टू, एक्स इक्वल टू प्लस का फोर, है ना। अब इसको करो, एक्स माइनस एट इक्वल टू माइनस टू, एक्स इक्वल टू प्लस का कितना आया सिक्स, है ना। यहां पे सीआर का किया तो कितना आ गया पिछली बार की तरह प्लस सिक्स, यहां पे कितना आया थ्री। अब यहां पर आपने देख लिया पूरा, तो इसका है प्लस फोर, इसका है प्लस सिक्स, चेंज कितने का हुआ दो का, नीचे नंबर एक है, सल्फर के नीचे वन लिखा है, ठीक, तो चेंज कितने का हुआ दो का, यहां पे चेंज कितने का हुआ तीन का, और नीचे कितना लिखा है दो, और थ्री टू जा सिक्स, इसका चेंज छह का इसका दो का, दो को कितना माना एक, तो छह को कितना मानेंगे तीन, ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर कर दीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई, ये सब मिटालकर क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये तीन और यहां पर एक, अब तीन है तो यहां पर तीन, यहां पर दो सी आर है तो यहां पर दो, अब वो देखो यहां पर कितने हैं सात और यहां पर नौ, नौ और सात सोलह, यहां पे कितने हो गए बारह, बारह के नौ तीन त्रिका नौ और ये सात, नौ और सात सोलह, सोलह ये कितने हैं बारह, बचे चार, तो यहां पे फोर एच टू ओ और बदले में चार दुनी आठ एच प्लस इधर आ गए। अब बच्चा कहेगा सर चेक कराइए, चेक कर लो प्लस माइनस का हिसाब किताब, चलो भाई करो, थ्री टू जा माइनस सिक्स माइनस टू प्लस एट, हिसाब कितना आया, हिसाब किताब कितना आया बोलो, हिसाब आया जीरो। अब यहां पे करो थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स, टू इंटू प्लस थ्री प्लस सिक्स, हिसाब कितना आया जीरो, तो यही आपका फाइनल आंसर है, ये इक्वेशन बोर्ड एग्जाम में दे रखी है और ये आपका बोर्ड एग्जाम में आंसर है, इसके लिए आपको मिलेंगे आउट ऑफ आउट नंबर और टीचर कहेगा बहुत होशियार बच्चा है, वेल डन, ये क्वेश्चन था ये इसका आंसर है। और एग्जाम्पल लेते हैं और करते हैं, ठीक है, अगला कौन सा है बोलो,
बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आया बदल कर, बैलेंस दिस, ये क्वेश्चन है बोर्ड का। अब कैसे करोगे? अब तो सीख चुके होगे, इतनी बार मैंने सिखाया है, मुझे भी अब बोरिंग लगने लग गया कि यार अब तो बच्चों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, आप भी करें हम भी करते हैं जल्दी जल्दी, ठीक है? खत्म करो अब, खत्म इसे। एनओ टू माइनस, आगे सीआर टू ओ सेवन माइनस टू, आगे बोलो। एनओ टू माइनस की जगह एनओ थ्री माइनस सीआर प्लस थ्री, यहां पर निकालो। एन का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिएगा, तीन आएगा, यहां पर पांच आएगा, यहां पर इसका छह आएगा, यहां पर इसका तीन आएगा, यहां पर चेंज होगा दो का, एक का नीचे नंबर एक है तो चेंज दो का, चेंज हुआ तीन का, नीचे नंबर दो है तो चेंज हो गया छह का। तो यहां पे दो है इसे एक मान लेंगे, तो छह को बदलकर तीन मान लेंगे, ये सही है। अब एक ये हो गया तो अब क्या करोगे बोलो? देख लिया ये हटा दूं, अब क्या हो गया बोलो? ये एक इसके आगे आ जाएगा, तीन इसके आगे। अब ये तीन है तो ये तीन, ये दो है तो ये दो। अब वो गिनो, तीन दूनी छह और सात तेरह, यहां पे नौ, ये देखो दोबारा गिनो, थ्री टू जा सिक्स और सेवन थर्टीन, यहां पे नाइन बचे फोर, तो फोर एच टू ओ बदले में एट एच प्लस। चेक करो आंसर जल्दी से, माइनस थ्री माइनस टू प्लस एट, आंसर आया प्लस का थ्री। यहां पे चेक करो, माइनस थ्री प्लस सिक्स, आंसर आया प्लस का थ्री, इस तरफ भी प्लस का थ्री, इधर भी प्लस का थ्री, तो ये बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम में, ये इसका आंसर है, ठीक भाई? बच्चा कहेगा सर एक और रह गया, आपने तो बताया था छह ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर है, तो लास्ट वाले को और कर दीजिए। तो लास्ट वाला देखे बेटा, लास्ट क्या था बोलो बोर्ड एग्जाम में? एस एन प्लस टू प्लस सी आर टू ओ सेवन माइनस टू, ऐसे आया क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में। आंसर पे आ जाओ, एस एन प्लस टू सी आर टू ओ सेवन माइनस टू इक्वल टू एस एन प्लस फोर और सी आर प्लस थ्री। ऑक्सीडेशन नंबर यहां पे टू, यहां पे सिक्स, यहां पर फोर, यहां पे थ्री, यहां पे चेंज करो, दो और चार में चेंज कितने का हुआ? दो का, और नीचे एक लिखा है तो चेंज दो का। यहां पे छह और तीन में चेंज कितने का हुआ? तीन का, और सीआर के नीचे कितना लिखा है? दो, तो टोटल चेंज हो गया छह का। दो को अगर एक मान लो तो छह को कितना मानोगे? तीन, हो गया सही है। यहां तक ओके करें, हटा दीजिए अब इसे, तो यहां पर कितना आ जाएगा? तीन, यहां पर एक। अब ये तीन है तो ये तीन, ये दो है सीआर तो यहां पे दो। अब वो कितने हैं? सात, तो यहां पे सेवन एच टू ओ और बदले में फोर्टीन एच प्लस इधर। आंसर रिपोर्ट करने से पहले चेक करें, थ्री टू जा प्लस सिक्स माइनस टू प्लस फोर्टीन, कुल किया बीस प्लस के हैं, माइनस के दो हैं, तो प्लस का एटीन आया। इधर करें, थ्री फोर जा ट्वेल्व, टू थ्री जा सिक्स, इधर भी ऐड करने पर कितना आया? प्लस का एटीन, प्लस एटीन प्लस एटीन, आंसर बिल्कुल ओके है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, ये बोर्ड एग्जाम में आपका आंसर होगा। आंसर लिखने के बाद ये मिटा देना, ये नहीं लिख के आना ऐसे, ये मन ही मन में खुद चेक करते हैं कि मैंने सही किया या गलत। ये एग्जामिनर को नहीं दिखाते हैं अपने मन की सारी चीजें, एग्जामिनर से छुपा के रखते हैं। जो हमें दिखना है वो ये है, एग्जामिनर को ये दिखाना है, नीचे वाला काम मन में रखना है, वो एग्जामिनर को दिखाना नहीं है, वो रफ पेज पर पीछे कर लेना है, ठीक है? वो एग्जामिनर को पता नहीं चलना चाहिए कि ऑक्सीडेशन नंबर मेथड लगाया है, वो एग्जामिनर से छुपाना है। एग्जामिनर का ये क्वेश्चन है, आपका ये आंसर है, बाकी जितना भी काम किया है वो सब रफ वर्क में पीछे दिखाया जाएगा, एग्जामिनर को पता नहीं चलना चाहिए। एग्जामिनर का ये क्वेश्चन, आपका ये आंसर, बात खत्म, इधर उधर कुछ भी नहीं, ये सामने से हट गया हूं मैं, ठीक? तो आपने देखे कितने ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर देखे, सारे देख लिए। अभी इस वीडियो में मैंने कौन कौन सा किया? Fe प्लस टू से Fe प्लस थ्री, और कौन सा किया? S माइनस टू से S, SO3 माइनस टू से SO4 माइनस टू,
NO2 माइनस वन से NO3 माइनस वन और SN प्लस टू से SN प्लस फोर। ये सारे ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर मैंने आपको करके दिखाए और बैलेंसिंग करते में ऑक्सीडेशन नंबर मेथड का यूज किया। प्यारे बच्चों ये वीडियो कैसे लगा? उम्मीद है आउटस्टैंडिंग लगा होगा और आपको सारी ऑक्सीडाइजिंग करेक्टर समझ में आ गई होंगी। रटने की जरूरत खत्म है, इतना बढ़िया समझ में आ जाएगा कि आप खुद से सारी बना पाओगे, रटने का चक्कर जीरो है। अगर ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज कॉम्प्लीमेंट करें। थैंक यू प्यारे बच्चों, बाय।